काफी सारे दुश्मन अच्छी है तो फिर हुक्मरान भी अच्छे, अगर आवाम ने ना अच्छी तो हुक्मरान भी नहीं अच्छे। कहते हैं ना जैसी आवाम वैसा हुक्मरान। आप वर्ल्ड वॉर वन उठा के देख लें, सेकंड वर्ल्ड वॉर उठा के देख लें, एट द एंड ऑफ द डे आपको निगोशिएशन टेबल पे ही हर चीजें जो है ना वो जो सोल्यूशन है वो निकलता है। तो हमें ऑब्वियसली इंडिया से बेल आउट लेना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? इफ्रा मीरब। इफ्रा और मीरब, मेरा आज का सवाल ये कि अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, हम उसके साथ तजारत भी नहीं करना चाहते ना ट्रेड करना चाहते, लेकिन जो पैसे मांगने की बात आ रही है तो हम इंडिया के सामने हाथ फैलाए हुए हैं कि हमें पैसे दे दें क्योंकि हमारी इकॉनमी बेहतर नहीं है। रीज़न ये है कि IMF हमें खुद कर्जा नहीं दे रहा, तो आपके ख्याल में कि हमें इंडिया से अब मदद ले लेनी चाहिए? नहीं। क्यों? हमें अपनी खुद इकॉनमी स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए और हमें ऐसे नहीं लेना चाहिए, इंडिया से तो ना लें, बस पैसे किसी और कंट्री से ले लें और बस अपनी खुद इकॉनमी। आपने कहा कि हमें इंडिया से पैसे नहीं लेने चाहिए क्योंकि अगर देखा जाए तो हमें अपने आप को खुद मजबूत करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान 75 साल हो गए अपने आप को अभी तक मजबूत नहीं कर पाया। हुक्मरान चेंज करने चाहिए, पॉलिटिक्स जो है उसको आगे लेके जाना चाहिए, सियासतदान को मतलब अच्छे, जैसे इमरान खान को आजकल काफ़ी यूथ जो है वो कर रही है सपोर्ट, तो इस तरह से चलना चाहिए पाकिस्तान को आगे, और इकॉनमी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। एक अच्छा हुक्मरान आएगा तो वो शायद डील अच्छा करे मुल्क के साथ और आगे चीज़ों को लेके चले, और यूथ भी क्योंकि यंग जनरेशन जो है वो भी सपोर्ट कर रही है, तो उस हवाले से मेरा यही ख्याल है कि हमें नई कर्जा लेना चाहिए और हुक्मरानों की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। जैसे कि आज इमरान खान का जलसा भी आज स्टार्ट है एंड इंटरनेट सर्विसेज काफ़ी लो हुई पड़ी हैं, तो आपको क्या लगता है कि इमरान खान को ये जलसा करने की बजाय हमारी मीशत, हमारी इकॉनमी के बारे में सोचना चाहिए था? हाँ जी, इकॉनमी के सोचना चाहिए, जलसा करने से क्या होगा, कौन सा लोग ऐसे करेंगे इनको, तब जलसा ना करें। आधे से ज़्यादा लाहौर पहुँचा होगा, लेकिन जलसे से स्पोर्ट गेन करेगा ना वो, लोगों की आवाज़ सुनेगा और इस तरह वगैरह, जलसा करना चाहिए। वैसे लोगों की आवाज़ उसने पहले नहीं सुनी, अब आप खुद देख लें कि इमरान खान ने पाकिस्तान में आके मिनिस्टर से कि क्या पाकिस्तान था पहले अब क्या हो चुका है, अब हमें इंडिया तक से पैसे मांगने की ज़रूरत पड़ गई है, और IMF उससे तो हम वैसे ही लोन ले लेके इतना हो चुके हैं कि अब वो भी इनकार करके बैठा हुआ है। तरक्की करनी चाहिए वैसे तो, लेकिन अवाम भी जैसी है उस तरह से भी फिर हुक्मरान पे भी डिपेंड करता है, वो अकेला सियासतदान कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि उसके काफ़ी सारे दुश्मन अच्छी है तो फिर हुक्मरान भी अच्छे, अगर अवाम ने ना अच्छी तो हुक्मरान भी नहीं अच्छे। कहते हैं ना जैसी अवाम वैसा हुक्मरान, तो वो वाला सीन है, अवाम अच्छी नहीं है। नहीं, अवाम फिलहाल तो अवाम के हालात ठीक नहीं है, वो भी सपोर्ट नहीं कर रही है, एक जगह पर नहीं है, करप्शन काफ़ी ज़्यादा है, तो इस वजह से भी इकॉनमी के डाउनफॉल काफ़ी ज़्यादा है। कि आने वाले दिनों में जैसे कि अप्रैल और मई में हम लोग बात करते हैं कि हमें अपना बजट सेट करना होता है, देखना होता है कि जी फिस्कल ईयर आ गया, हमने क्या सेट करना है, कितना पैसा लगाना है, किसको कितने कितने सूबे को कितना पैसा जाना चाहिए, आर्मी को कितना देना है, एजुकेशन पे कितना लगाना है, तो अगर इंडिया भी हमें पैसे नहीं देगा, IMF भी नहीं देगा, तो फिर ये कैसे सेट कर पाएंगे? देखें, वो फिर आप इकॉनमी खुद से स्ट्रॉन्ग बनाएंगे ना, जब हुक्मरान आपको साथ लेके चलेगा तो आई थिंक शायद फिर चीज़ें बेटर होना शुरू हो जाएं ज़्यादा, और यही मेरा ख्याल है इनसे पूछने। ओके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? जी अल्लाह का शुक्र। सर मेरा आज का सवाल ये कि अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान पहले IMF से कर्ज़ा लेने की बात कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान उनके जो कह लें कि उन्होंने जो चीज़ें रखी हैं पाकिस्तान के सामने कि आप इनको पूरा करें फिर हम आपको कर्ज़ा देंगे, तो पाकिस्तान वो नहीं कर पा रहा। इंडिया ने कहा था कि हम आपको पैसे देंगे, बेल आउट देंगे इस साल के आखिर में, लेकिन अब पाकिस्तान दरमियान में ही बेल आउट मांग रहा है इंडिया से क्योंकि बजट आने वाला है पाकिस्तान का मई और जून में, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान बजट कैसे सेट करेगा, IMF क्या करेगा पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान किस तरह चलेगा? अस्सलाम वालेकुम। पहली बात तो ये जी, मैं इस मुल्क से बिल्कुल मायूस नहीं हूँ, और ये इसमें कोई शक नहीं कि हमने बहुत मिसमैनेजमेंट की है, हर लिहाज से की है, जिसका आज हम खामियाजा भुगत रहे हैं कि हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है। जब तक सियासी हालात नहीं ठीक होते और फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते, इकोनॉमिक्स बेहतर नहीं हो सकती। और जहाँ तक इंडिया से पैसे लेने की बात है, तो इसमें कोई ऐसी इसको सियासी रंग नहीं देना चाहिए। मुख्तलिफ मुल्कों में आपस में लेन देन चलता है, और जब इंडिया के साथ हम तजारत कर सकते हैं तो उनके साथ हम फाइनेंशियल पैकेजेस भी लेन देन कर सकते हैं, और इंडिया ने तो हमारे पिछले पैसे भी देने। आपको मालूम है गांधी साहब का जिसने कत्ल किया था उसने क्यों किया था? क्योंकि गांधी साहब ने भूख हड़ताल की थी कि जो पाकिस्तान के पैसे बनते हैं वो दो, और वो $750 मिलियन था उस ज़माने में, ₹750 मिलियन, तो वो $750 मिलियन जो था उसमें से $500 मिलियन इंडिया ने अदा किया और $200 मिलियन अदा किया, $50 मिलियन उस वक्त का भी उनके पास हमारा पड़ा है। तो अगर इन्फ्लेशन लगाएं और वही पैसे इंडिया में दे दे तो इंडिया की मेहरबानी, तो हम कर्ज़ा तो चलें छोड़ें, जो हमारे बनते हैं वो तो देना इंडिया में।
लेकिन इंडिया कहता है कि हमने तो कभी पाकिस्तान से कुछ नहीं लिया, एंड ये बड़ी सरप्राइजिंग बात है जो आपने बताई है रिसेंटली कि हमने इंडिया से इतने पैसे लेने हैं। पाकिस्तान से हमसे क्यों इन्होंने लेना था, हम इनसे अलग हुए। हमारे असासे थे जो इन्होंने हमें देने थे, जो अंग्रेज सरकार ने कहा कि इतने एसेट्स पाकिस्तान को, इतने हिंदुस्तान को, उसमें 50 मिलियन अभी भी इंडिया के पास हमारा पड़ा है, और उसमें 70 साल की इन्फ्लेशन डालें तो वो पैसे हमें दे देना, पहले तो वो दें, वो तो हमारे हैं ना। और बेल आउट पैकेज भी अगर देना चाहते हैं तो हमसायों का साथ बिल्कुल देना चाहिए, और बराबरी की सतह पर दोस्ती की होनी चाहिए इंडिया के साथ बिल्कुल, लेकिन बराबरी के साथ। ये जो वो बातें करते ना कि घुस के मारेंगे, ये नहीं चलेगा। घुस के मारेंगे तो फिर हम भी मारेंगे, और हम मारते भी रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसी बात है। और सर मेरा अगला सवाल ये कि अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो IMF की शराइत क्यों नहीं पूरी कर पा रहा वो, और हम इधर उधर भागते फिरें, कभी हम इसराइल के पास पहुंच जाते हैं, कभी हम रशिया के पास चले जाते हैं, कभी अब एट द लास्ट मोमेंट हमें इंडिया याद आ रहा है। क्योंकि आप देख लें कि मई और जून में क्या आने वाला है, पाकिस्तान में बजट सेट होगा, इकोनॉमी किस तरह से बेहतर होगी, पूरी कन्फ्यूजन चल रही है मुल्क के अंदर। देखिए पहली बात ये है कि आप ये ना कहें कि हम मान नहीं रहे हैं या हमसे पूरी नहीं हो रही, आप नहीं आप ये कहें कि हम उनकी जो वो हमसे रिक्वायरमेंट्स, वो हम पे जो सैंक्शंस लगा रहे हैं या जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, हम वो पूरी करना नहीं चाह रहे। क्यों नहीं चाह रहे? यही तो करना नहीं चाह रहे और हो नहीं रहे में बड़ा फर्क होता है। करना हम इसलिए आवाम को तो वही दिखा रहे हैं कि हम कर नहीं पा रहे, यानी कि आप कह रहे हैं कि वो करना नहीं चाह रहे, लेकिन आवाम यही माइंड में बना के बैठी कि शायद वाकई हमारे पास उतनी ज़्यादा एसेट्स अवेलेबल नहीं है कि दस वाई हम लोग उनकी चीज़ें पूरी नहीं कर पा रहे। नहीं जी, हम करना नहीं चाह रहे, हमारी विल नहीं है। उसकी वजह यह है कि वो हमसे क्या कहते हैं, टैक्स नेट बढ़ाएं। Exactly. हम वो टैक्स के लोग, हम वही चाहते हैं कि जो 5 लाख बंदा टैक्स में, पाकिस्तान में 5 लाख बंदा टैक्स देता है, बाकी 25 करोड़ में से आप देख लें 24 करोड़, 95 लाख लोग टैक्स नहीं देते। इनडायरेक्ट टैक्सेशन में वो ज़रूर शामिल है, लेकिन टैक्स फाइलर्स नहीं है। फिर आप देखें हमारी ब्लैक इकॉनमी, जितनी पाकिस्तान की वाइट इकॉनमी उतनी ही ब्लैक इकॉनमी। आप देख लें जितनी सब्ज़ी मंडियाँ हैं, जानवरों की मंडियाँ हैं, सुनियारे हैं, ये लिबर्टी मार्केट में हम खड़े हैं, यहाँ पे जितने ताजर हैं, आप मुझे खुद बताएं शाम को यहाँ से क्या बक्सों के बक्से कैश के नहीं आते जाते? कैश के आते तो जाते हैं, लेकिन ट्रस्ट इश्यूज काफ़ी नज़र आते हैं। नहीं ट्रस्ट इशू नहीं, कैश में जब डीलिंग होगी तो वो डॉक्यूमेंट तो नहीं होने, इकॉनमी का हिस्सा नहीं बना। इकॉनमी का हिस्सा तो वही है जो बैंक में पैसा गया। तो लिहाजा हमारी इकॉनमी जो असल है वो डबल है इससे जो साइज़ हमारा ऑफिशियली है। और जहाँ तक हुकूमत अगर IMF की शरायत मानती है तो उसमें ज़ाहिर महंगाई है। अब महंगाई 300 पे तेल पहले पहुंचा हुआ है, IMF की शरायत मांगे तो 400 पे जाता है। तो अगर PDM की गवर्नमेंट जो है वो ये बोझ उठा सकती है तो उनको ये नेकी ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली ज़ाहिर है कौम पे बोझ तो आना ही है। अगर तेल की सूरत में नहीं आएगा तो बिजली की सूरत में आएगा, बिजली की में नहीं आएगा किसी और सूरत में आएगा, कौम पे बोझ आना ही आना है। उसकी वजह यह कि कौम ने गलत हुक्मरानों को हमेशा इलेक्ट किया, गलत लोगों की पुश्त पनाही की, गलत किस्म के जब यहाँ पर हरकतें हुई तो उस पर मिठाइयाँ और लड्डू बांटे। फातिमा जिना यहाँ पे इलेक्शन मादरे मिल्लत इलेक्शन हार गई, तो जिस कौम की मादरे मिल्लत को फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं आप लोग दे सके, वहाँ पे फिर इतना तो हमें अपना बोझ उठाना चाहिए कि 400 रुपये लीटर तेल ले, और ये कौम ले सकती है 1000 रुपये लीटर भी। ये तो आप देखें 300 रुपये लीटर तेल हो गया, किसी बंदे ने बाहर निकलना छोड़ा है? कोई रेस्टोरेंट आपको खाली नज़र आ रहा है? ये कौम 1000 रुपये लीटर भी तेल ले सकती है। और मसला ये कि कौम ले भी लेगी, कौम को लेना चाहिए भी है, कौम को भी थोड़ी सज़ा होनी चाहिए, लेकिन फिर उसके बाद जो पैसा आए उसको सही तरह सही मंसूबों में इन्वेस्ट करें, अपनी इम्पोर्ट्स बढ़ाएं, अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं और इम्पोर्ट्स को कम करें। और यहाँ पे एक आप हर चीज़ सुई तक आप चाइना से लेते हैं, आपकी डेयरी इंडस्ट्री के साथ जो जुल्म हो रहा है वो आप सोच नहीं सकती हैं। आपको पता है हमारे किसान को यहाँ पे दूध? ओके सर, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? काशिफ अली। काशिफ, मेरा आज का सवाल ये कि अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वैसे तो कहते हैं कि आपने इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करनी है, उनके साथ कोई ताल्लुकात नहीं रखने, क्योंकि देखा जाए तो 75 सालों से एक दुश्मनी चलती आ रही है। लेकिन अब बात करें अगर बेल आउट की, पैसों की बात करें, तो साल के एंड पे इंडिया ने कहा था कि मैं आपको दूंगा, लेकिन अब पाकिस्तान को साल के दरमियान में ही ज़रूरत पड़ गई है इन पैसों की, क्योंकि इंडिया IMF हमें कोई लोन नहीं दे रहा। तो आपके ख्याल में क्या इंडिया हमें देगा पैसे अभी जब हमें इतनी ज़रूरत है? जी ऑब्वियसली बेल आउट लेना चाहिए इंडिया से। अगर हम देखें तो तकरीबन जो है दुनिया में जंग किसी भी चीज़ का हल नहीं है। आप World War I उठा के देख लें, Second World War उठा के देख लें, एट द एंड ऑफ द डे आपको निगोशिएशन टेबल पे ही हर चीज़ें जो है ना वो जो सॉल्यूशन है वो निकलता है। तो हमें ऑब्वियसली इंडिया से बेल आउट लेना चाहिए। और जो ट्रेड अगर हम देखें तो एक तरह से इंडिया इस वक्त जो दुनिया की एक जो है सबसे बड़ी मार्केट में शुमार होता है, और वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, 5वें नंबर पे आता है इंडिया।
तो हमें ऑब्वियसली अगर इंडिया बेल आउट दे रहा है तो हमें इसमें कोई कतराहत महसूस नहीं होना चाहिए, ले लेना चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो IMF ने हमारे सामने सैक्शंस रखे हुए हैं कि आप ये शरायत पूरी करें तो हम अभी आपको लोन दे सकते हैं, लेकिन वो पूरी करने की बजाय अब हम इंडिया के पास चले गए कि ठीक है आप हमें दें बेल आउट? जी ऑब्वियसली IMF के अगर हम शराइत देखें तो कुछ मैक्रो लेवल पे है, कुछ माइक्रो लेवल पे, लेकिन उनका जो कंसिक्वेंटली जो असरात हो मुरतब होंगे वो माइक्रो लेवल पे आवाम के मतलब निचले लेवल पे होंगे, ग्रास रूट लेवल पे। तो हम अभी उस पोजीशन में नहीं है ना, एक आप देखें एक तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, एक मॉरल इंस्टेबिलिटी है, एक सोशल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी है, तो उन सब को देखते हुए हमें IMF से बेहतर है इंडिया के साथ बेल आउट पैकेज ले लें, क्योंकि इसके थ्रू एक तरह से हम जो लो पॉलिटिकल लेवल है उस पर हम निगोशिएशन स्टार्ट कर सकते हैं, इनिशिएट कर सकते हैं। ये बेल आउट पैकेज मेरे ख्याल से एक बेहतरीन इनिशिएटिव होगा अगर आप इंडिया के साथ ताल्लुकात इन फ्यूचर उस्तुवार रखना चाहते हैं। तो इंडिया जितना हमें बेल आउट पैकेज देगा, आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में जब हम खुद अपना बजट सेट करने को बैठे हुए हैं तो हम अच्छा खासा बजट सेट कर लेंगे, हमारी सैलरीज भी इंक्रीज़ करनी है, पेंशन भी इंक्रीज़ करनी है, साथ में आप देख लें कि चीज़ों की महंगाई ऑलरेडी इतनी बढ़ी हुई है, तो क्या उस बेल आउट से गुजारा हो जाएगा पाकिस्तान का? जी देखें अगर हम ये इकोनॉमिक क्राइसिस को देखें तो ये आज से स्टार्ट नहीं हुआ, ये 75 साल की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है हमारी। तो मेरे ख्याल से यह शॉर्ट टर्म के लिए तो अच्छी चीज़ है इंडिया के साथ वो करें, तो इस साल जो फिस्कल ईयर 2024 आएगा उसके लिए हम बजट सेट कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मेरे ख्याल में जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है उन पे हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? मैं ठीक ठाक है, लगा शुक्र। आपका नाम? मोहम्मद उमेर। उमेर, मेरा आज को सवाल ये कि अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो कहने को तो हम कहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, हमें उसके साथ तजारत भी नहीं करनी चाहिए, ना कोई रिश्ता रखना चाहिए, लेकिन अब जब बात आती है अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करने की तो इंडिया ने कहा था कि मैं आपको बेल आउट दूंगा, साल के आखिर में दूंगा, लेकिन अब पाकिस्तान को साल के दरमियान में ज़रूरत पड़ गई है, वजह यह है कि IMF हमें लोन ग्रांट नहीं कर रहा, तो क्या कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान अब इंडिया से वाकई में मांग लेगा? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा करना चाहिए, क्योंकि हमने IMF के हम पहले ही बहुत ज़्यादा कर्ज़ई हो चुके हैं, और एज अ पाकिस्तानी और हर इंसान का ये हक बनता है कि मतलब जैसे देखेंगे जैसे जैसे हुकूमतें चेंज होती हैं, गवर्नमेंट चेंज होती है, शहबाज शरीफ आया, उसके बाद इमरान खान आ गया, ये एक दूसरे पे आके ब्लेम करी जा रहे हैं कि जी मुल्की हालात अच्छे नहीं थे, हम ये नहीं कर सके। अब वो मुल्की हालात किसने सही करने हैं? आखिर कोई एक बंदा आएगा तो करेगा। तो मेरा ख्याल है कि अभी हमें मज़ीद लोन की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, जो हमने पहले उनसे लोन लिए हुए हैं, क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर एक ना एक दफ़ा तो वो लोन उनको वापस ज़रूर करना है। लेकिन IMF इसलिए हमें लोन नहीं दे रहा इस बार क्योंकि उसने कुछ शरायत रखी हैं, कुछ सेक्शंस लगाए हैं हमारे ऊपर कि आप ये पूरा करें फिर हम आपको लोन देंगे, लेकिन इस लोन से बचने के लिए हम इंडिया के पास जा रहे हैं। अब इस लोन से बचने के लिए पहली बात तो देखें हमने अपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर लिया, क्योंकि जो अब जो आपके क्या कहते हैं मुल्क में प्राइस इसकी पेट्रोल की प्राइस आए दिन हाइक हो रही है, और पेट्रोल एक वो वाह चीज़ है कि अगर पेट्रोल आपके मुल्क में बढ़ जाता है, आप एक छोटे से क्या कहते हैं केले की दुकान पर भी जाकर ठेले पर भी जाकर खड़े हो जाए ना, उसका भी आपको यही कहना है कि जी पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई है। वो क्यों बढ़ी है? क्योंकि हमारी सारी उनके साथ तजारत थी और उनके जो शरायत थी हम उस पर कभी पूरा नहीं उतर सके। अब हम उस टाइम इस टाइम उनके नीचे हम क्या कहते हैं दबे हुए हैं, वो जो कहते हैं वो अब हमें मानना पड़ता है। और मेरा ख्याल है कि अब पहले हमें वो पुराना अपना जो जितना भी था IMF का कर्ज़ा वो सारा वापस कर लेना चाहिए, और फिर आगे मज़ीद कर्ज़े की बात करनी चाहिए, अपने आप को पहले स्टेबल कर लेना चाहिए। लेकिन हम अपने आप को स्टेबल नहीं कर पा रहे हैं, आप खुद देख लें कि मई और जून के अंदर जाकर पाकिस्तान का बजट सेट होना है, पाकिस्तान ने हर एक चीज़ की कह लें कि चीज़ सेट करनी है, कौन सी चीज़ कितनी महंगी होगी, एम्प्लॉयज़ को कितना ज़्यादा हम लोग उनकी जॉब्स सॉरी जो उनकी सैलरीज हैं वो इंक्रीज़ करेंगे, कितनी पेंशन लगाएंगे, ये सारा कुछ उसने डिसाइड करना है। अब इसके लिए भी तो पैसे चाहिए ना, तो फिर इंडिया आखिरी हल बच रहा है हमारे पास? पहली बात तो ये मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान ने सेट ही नहीं करना कि क्या बजट आना है क्या नहीं आना है, ये इनडायरेक्टली हमारे अमेरिका ने ही सेट करना है कि क्या बजट आएगा, क्या स्ट्रेटजी चलनी है आपके अगले 5 साल 2 साल 3 साल। तो अगर हम एज आ पाकिस्तानी ये बात सोच रहे हैं ना कि इस टाइम हमारा जो बजट है कि वो हमारे पाकिस्तानी गवर्नमेंट के अंडर ही होगा, तो वो बिल्कुल बात गलत है, क्योंकि हम उनके कर्ज़ों के नीचे इतने क्या कहते हैं दब चुके हैं कि अब वो जो भी हमें अगर वो जैसे एक आपने मिसाल सुनी होगी ना कि अगर आपको कोई कह रहा है कि क्या कहते हैं कौवा वाइट है तो हमने पीछे यही कहना हाँ जी हाँ जी कौवा वाइट है। तो ये हालात हैं पाकिस्तान के, हम पहली बात ये समझें ही ना कि हमारा जो बजट वगैरह है वो हमारी गवर्नमेंट सेट करेगी, बिल्कुल भी ऐसी नहीं बात है। थैंक यू सो मच मैडम।